श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 9। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तात्पर्य, यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं, वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहर्निश लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद अनुभव करते हैं। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब वे उस सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो पाता है। यह भक्ति बीज के सदृश है। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार की नियमतः सींचते रहने से वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है जब तक यह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता। ब्रह्म ज्योति में भी यह पौधा तब तक बढ़ता जाता है तब तक उस उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता जिसे गोलोक वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। अंत तो गत्वा यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम पाता है। इस प्रकार पौधे में क्रम से फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। चैतन्य चरितामृत में भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है। वहाँ यह बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतः भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवत में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएँ हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि भागवत में ही कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद्वेषणवानाम प्रियम। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भावना भावित जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं, जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। हरे कृष्ण।